खबर आगरा जनपद से भागवत प्रजानी समिति ने पहली मकर संक्रांति को वृद्धाश्रम में जाकर मनाया। अभी कुछ दिन पहले भागवत प्रजानी समिति बनी है, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवत प्रवक्ता हैं। इस समिति के सदस्यों ने आपस में मंत्रणा की। संस्था की शुरुआत सेवा द्वारा होनी चाहिए और सेवा करने पहुँच गए वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित एक आश्रम में। आश्रम में रहने वाली माताओं को तिल के लड्डू बांटे, फिर उनको शॉल ओढ़ाई। माताओं ने समिति के समस्त सदस्यों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। आज के कार्यक्रम के आयोजक आशीष दीक्षित और उनकी धर्मपत्नी दिव्या दीक्षित थी। पंडित राजेश अग्निहोत्री ने कहा कि ब्राह्मण को दान लेकर दान देना भी आवश्यक है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। दान कभी भी किया जा सकता है, परंतु विशेष अवसरों पर किए हुए दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जरूरतमंद लोगों की सेवा करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर आशीष दीक्षित, दिव्या दीक्षित, डॉक्टर सतीश मिश्र, विनीत द्विवेदी, अवधेश अवस्थी, अजय बंसल, डॉक्टर वीपी शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। राधे राधे। मेरा नाम पंडित राजेश अग्निहोत्री, भागवत प्रवक्ता, भागवत प्रचारणी समिति का संस्थापक और अध्यक्ष। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधे कृष्ण वृद्धाश्रम में आज यहाँ रहने वाली माताओं को मिष्ठान वितरण किया गया और सभी माताओं को शॉल उड़ाकर के उनका सम्मान किया गया। मातृशक्ति के बिना प्रकृति संभव नहीं है। ये मातृशक्ति है जो हमें पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, संसार का ज्ञान कराती है। दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान लेना बताया गया है। ब्राह्मण के षटकर्म, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेदों का अध्ययन करना और अध्ययन करके समाज के अन्य वर्णों को उन वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान देना। दान देने से धन की शुद्धि होती है। दान क्यों करना चाहिए? दान का अर्थ है बीज बोना। जब किसान बीज बोता है तो पृथ्वी माता उसको 100 गुना बढ़ा करके उसी किसान को वापस कर देती है। दान करने का भी अर्थ यही है। जो हम दान करते हैं, प्रभु हमारे खाते में उसको 100 गुना बढ़ा करके जमा करते हैं, उसका 100 गुना बढ़ा करके हमको मिलता है। भागवत प्रचारणी समिति अभी कुछ दिन पहले ही हमने बनाई है और भागवत प्रचारणी समिति के माध्यम से ये हमारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये पहला कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रमों के जो आयोजक हैं, हमारे समिति के सदस्य श्री आशीष दीक्षित एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या दीक्षित जी आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं। हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे पदाधिकारीगण समस्त, आदरणीय डॉक्टर श्री सतीश मिश्रा जी, श्री विनीत द्विवेदी जी और हमारे श्री अवधेश अवस्थी जी, श्री अजय बंसल जी और आशीष दीक्षित जी एवं श्री उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या दीक्षित जी, हम सब ने मिलकर के ये वृद्धाश्रम में आकर के कार्यक्रम किया। थोड़ी देर संकीर्तन भी किया, गौ माता की सेवा की। सेवा करने से जो आनंद मिलता है उसकी अनुभूति अलग होती है, वर्णन करना संभव नहीं है। शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से अगर गूंगे व्यक्ति को आप मीठा रस भरा आम खिलाओ और उससे स्वाद पूछो कैसा स्वाद है, तो इशारों के द्वारा ही अभिव्यक्त कर सकता है, शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता। इसी तरह से आनंद गाड़ी, कोठी, बंगला, इसमें आनंद नहीं। आनंद जब सेवा भाव आपके अंदर होगा तो निश्चित ही आपको आनंद मिलेगा। प्रभु ठाकुर बिहारी जी से, श्री जी की कृपा से,
यही आशा करते हैं हमारी भागवत प्रचारणी समिति आगामी समय में भी इसी प्रकार असहाय निराश्रित वृद्ध गौ माता इन सब के निमित्त तत्पर रहे और इतनी सक्षम बने हमारी भागवत प्रचारणी समिति जो जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम अनेक जिलों में अनेक प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमारी समिति पूरी भारतवर्ष में फैलेगी। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।